ऐसे आपकी किश्तों में मौत होगी अगर आप गलत तरीके का खाना खा रहे हैं। भरा हुआ पेट लेकर सोने के लिए जाना बिल्कुल मना है अगर आप अच्छे से जीने में इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आप उपयोग करते हैं या अंगमर्दन सिस्टम की योग अभ्यास करते हैं तो आप पक्का फिट होंगे। अब खाने की बात है तो भारत में कुछ हद तक ये समझ रही है, जो कि कुछ हद तक आज भी है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी मॉडर्न स्कूली पढ़ाई इसको पूरी तरह मिटाते जा रही है। पर इस बारे में एक संपूर्ण ज्ञान है कि दिन के किस समय पर क्या खाना सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया है, किस मौसम में, कौन से मौसम में कौन सी चीज आपके सिस्टम में आसानी से पच जाएगी। इस तरह से विस्तार में एक पूरा का पूरा सांस्कृतिक पहलू है। बिना जरूरी संवेदनशीलता के खाना खाना, आप में न तो खाने को लेकर न ही समय को लेकर कोई संवेदनशीलता है। आप बस जो सामने आता है खा लेते हैं। आपको ऐसा करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बीमार पड़ने की बात नहीं है, आपने अपनी जीवन शक्ति खो दी, अपनी संवेदनशीलता खो दी। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये टुकड़ों में मौत जैसा है। अब अगर आप चीजों को पहले जैसी संवेदनशीलता के साथ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जैसा बचपन में या थोड़ा बड़ा होकर करते थे, इसका मतलब आप आधे मर चुके हैं। तो ऐसे आपकी किश्तों में मौत होगी अगर आप गलत तरीके का खाना खाएंगे। अगर आप बस थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो बड़ी आसानी से जितना सारा खाना आप खा रहे हैं वो बस यूं ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना सारा खाना नहीं चाहिए होता। अगर आप इस शरीर में ज्यादा खाना डालेंगे, आपको उतनी ही एनर्जी पाने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं, 1960 के दशक में आपके पास वो बड़ी बड़ी फोर्ड और शेवी कारें थी, है ना, वो बड़ी बड़ी युद्ध पोतों जैसी थी ना, वो कितना पेट्रोल पीती थी, और आज की मॉडर्न कारें कितना पेट्रोल पीती हैं। खैर अब आप इलेक्ट्रिक कारों में जा रहे हैं, न कोई आवाज है, न धुआं, कुछ भी नहीं है, ये मक्खन जैसी चलती हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारी बनाई गई मशीनों में भी हम ईंधन की खपत कम करना चाहते हैं। हमको इस शरीर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा पाने के लिए अगर जरूरत से ज्यादा ईंधन लगे तो ये न केवल आपकी इकोनॉमी या आपकी निजी इकोनॉमी के लिए बुरा है, बल्कि इस मशीन के लिए भी बुरा है, क्योंकि थोड़ी सी ऊर्जा पाने के लिए बहुत सारे भोजन को पचाना पड़ता है। और खास तौर से मैं देख रहा हूं कि आदत दुनिया के इस हिस्से में बहुत प्रचलित है। लोग 7-8 बजे या 10 बजे खाना खाते हैं, पार्टियां वगैरह होती हैं और वो देर रात में खाना खाते हैं और खाकर बस सोने चले जाते हैं। भरा हुआ पेट लेकर सोने के लिए जाना बिल्कुल मना है अगर आप अच्छे से जीना चाहते हैं तो। उपयोग नाम की एक चीज होती है, यानी छोटा योग, या कुछ कारगर प्रक्रियाएं होती हैं जिनका अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर आप उपयोग करते हैं या अंगमर्दन सिस्टम की योग अभ्यास करते हैं तो आप पक्का फिट होंगे। आपको किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस 6x6 की जमीन चाहिए और आप सुपर फिट होंगे। आप मसल्स बना सकते हैं, इसमें सब कुछ है, बस इतना है कि आप ऐसे नहीं होंगे, आप ऐसे नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे बन गए हैं और उन्हें लगता है वो फिट हैं, मुझे लगता है वो जकड़ गए हैं। बात सिर्फ ताकत की या सिर्फ बड़े बड़े मसल्स की नहीं है, सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए आपके शरीर में लचीलापन होना भी उतना ही जरूरी है। योग में हम केवल मांसपेशियों की ताकत या शरीर के ढांचे को ही नहीं देखते, शरीर के अंगों की सेहत बहुत महत्वपूर्ण है। So the system is evolved so that there is organ health. It's very important the body is flexible and usable. तो इसे सिस्टम को विकसित किया जाता है ताकि अंग स्वस्थ हों। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर लचीला और इस्तेमाल लायक हो। फिटनेस और खुशहाली का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े मसल्स बनाकर ऐसे ट्रेडमिल पर चलें। नहीं, हमारे सिस्टम के पांचों मूलभूत तत्वों की शुद्धता को मजबूत करना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? हाँ, कुछ खास तरीके हैं जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल एक आसान तरीका है, मिट्टी और पानी और पौधों के साथ रहकर काम कीजिए और खुले में रहिए, इतने से ही कुछ होने लगेगा। लेकिन योग में कुछ विशेष तरीके भी हैं। असल में मोस्ट ऑफ द योगा इज जस्ट दैट भूत शुद्धि To cleanse the elements. योग का ज्यादातर हिस्सा बस यही है, भूत शुद्धि, यानी मूलभूत तत्वों को शुद्ध करना। तो
तो अपने सिस्टम में मूल तत्वों की संरचना में शुद्धता लाए बिना, चाहे आप अपने आप को कितना भी मजबूत मानते हों, जीवन के मायनों में आप मजबूत नहीं हैं। शायद आपकी मसल्स मजबूत हों, पर वो आपको जीवन के कुछ विशेष पहलुओं में बचा नहीं पाएंगी। आप देखेंगे, हमेशा नहीं पर आप देखेंगे कि कोई होगा जो बड़ा हट्टा कट्टा लगता होगा और शरीर से बड़ा तगड़ा होगा, जस्ट वन लिटिल एलमेंट पुफ, पर बस एक छोटी सी बीमारी और पुफ वो पस्त हो जाएंगे। दो दिन का बुखार और वो बस फुस हो जाएंगे। कोई दूसरा होगा, वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं लगता, बड़ा मरियल सा दिखता होगा, पर आप देखेंगे कि वो कितनी ही बीमारियों की मार झेल जाएगा। ये सिस्टम के अंदर मूल तत्वों की शुद्धता पर निर्भर करता है कि आपके तत्व कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं उसी के हिसाब से। और मूल तत्वों की शुद्धता ये भी तय करती है कि आप अपने शरीर का उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर आप में मूल तत्वों की शुद्धता नहीं है और अगर आपने अपने शरीर का इस्तेमाल कुछ सीमाओं से परे किया, सीमाओं से मेरा मतलब भौतिक सीमाओं से नहीं है, अगर आपने अपने शरीर का उपयोग दूसरी तरह से किया शारीरिक होने के अलावा, ये बस चकनाचूर हो जाएगा। और इसीलिए योग साधना होती है जिसकी शुरुआत भूत शुद्धि से होती है। योग के सभी पहलू मूल रूप से भूत शुद्धि ही हैं, कितने ही अलग अलग तरीकों से की जाती है। क्या कुछ ऐसा विशेष है जो अभी हम योग के मार्गदर्शन के बिना कर सकते हैं? एक सरल तरीका है, बगीचे में काम कीजिए। दिन में कम से कम एक या दो घंटे टहलिए। विशेष रूप से रात का खाना खाने जाने से पहले या दोपहर के खाने से पहले, खासकर उससे पहले कम से कम आधे घंटे बिना जूते पहने चलिए, ग्रेनाइट पर नहीं, या तो घास पर या बाहर मिट्टी पर। आप देखेंगे कि अगर शरीर पृथ्वी के संपर्क में होगा तो आप जो खाना खाते हैं उसे शरीर बिल्कुल अलग तरीके से पचाएगा। खाना तो वैसे भी पचेगा, पर खाना शरीर को कितना लगेगा ये इस पर तय होता है कि आप पृथ्वी के साथ कितनी लय में हैं। तो अगर आधे घंटे भी आप चलें बिना जूते या चप्पलों के और शरीर मिट्टी से जुड़ा रहे, तो आप देखेंगे कि तत्व अभी जैसे काम कर रहे हैं उससे थोड़ी ज़्यादा अखंडता के साथ काम करेंगे। तो कुछ समय तक बाहर समय बिताना, सूरज के साथ होना, हवा के साथ होना, बारिश के साथ होना, धरती के साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप वही तो हैं, आप इन्हीं तत्वों से पैदा हुए हैं, आप इन्हीं से तो वजूद में आए हैं।